आज हम बात करने वाले हैं सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के बारे में। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को बनाने के समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया हुआ है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का, और अलग अलग प्लेन से कट करके अलग अलग व्यूज बनाए हुए हैं, साइड फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू। ठीक है, तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है, इसमें दो कटिंग एज होती है, एक कटिंग एज साइड कटिंग एज होती है और एक एंड कटिंग एज होती है। क्योंकि ये दोनों एक पॉइंट पे मीट करती हैं, इसलिए इसको बोला जाता है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। मल्टी पॉइंट कटिंग टूल में क्या होता है, यदि हम मिलर का डायग्राम बनाएं तो इसमें कई सारे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। ये सारे हैं वो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल हैं, लेकिन ये नंबर में एक से ज़्यादा है, इसलिए इसको बोला जाता है मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। ठीक है, इसमें पीछे वाला पार्ट होता है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का, वो होता है होल्डर, और सेंक भी बोलते हैं इसको हम। ठीक है, ये होता है टूल का फेस, ऊपर का जो पार्ट होता है, ये होता है साइड फ्लैंक, क्योंकि ये साइड व्यू में दिखता है इसलिए इसको बोलते हैं हम साइड फ्लैंक। ठीक है, और ये एंड में होता है, यानी कि टूल के फ्रंट में होता है ये वाला जो पार्ट रहेगा ये, इसलिए इसको बोला जाता है एंड फ्लैंक। ठीक है, अब देखिए ये टूल होता है ना कुछ झुका हुआ रहता है आगे से, और साइड से भी थोड़ा शिफ्टेड होता है। चलिए मैं आपको इसका ओरिजिनल व्यू बताता हूँ, उसके लिए मैंने एक क्लिप कट करके लगाई हुई है, आप उसका ओरिजिनल व्यू देखिए। यदि आप लॉन्गर टाइम यानी कि कुछ टाइम लेते हैं उसको देखने में, तो थोड़ा उसको पॉज कर दीजिए, क्योंकि वो 5 या 10 सेकंड के लिए वो क्लिप है। तो चलिए देखिए, जैसा कि आपने देखा कि इसमें ये वाला जो पार्ट रहता है वो थोड़ा झुका हुआ रहता है, और ये वाला पार्ट भी थोड़ा अंदर रहता है। ठीक है, तो ये झुका हुआ पार्ट रहता है वो कहलाता है फेस। यदि आप फिर से देखना चाहते हैं तो फिर से वीडियो को रिपीट कर दीजिए, आप फिर से देख लीजिएगा। ये वाला पार्ट होता है फेस, साइड वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं साइड फ्लैंक, और ये वाला पार्ट होता है एंड फ्लैंक। ठीक है, इसको बोला जाता है सेंक या होल्डर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये जो कटिंग टूल का ये फ्रंट वाला पार्ट है, इस पार्ट को हम क्या करते हैं, एक वर्टिकल प्लेन से कट कर देते हैं। उस वर्टिकल प्लेन से कट करेंगे तो उसका प्लेन क्या होगा, देखिए यदि हम सामने से देख रहे हैं तो क्या होगा, ये इसका बेस है, टूल का बेस है, ये सेंक का बेस को टूल के बेस, टूल का भी बेस बोलते हैं। ठीक है, तो वो क्या रहेगा, जो प्लेन रहेगा वो रहेगा परपेंडिकुलर टू बेस एंड पैरेलल टू विड्थ। इसको समझने के लिए भी मैंने एक क्लिप ऐड की है, आप उस क्लिप को देखिए कि हम कैसे उसको कट करते हैं, और उसको कट करने के बाद उसका प्रोजेक्शन लेते हैं तो उसका प्रोजेक्शन कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, चलिए आप वो क्लिप देख लीजिए। We're going to cut the tool with 3 different planes. The first plane will orient like this and we'll cut through the tool. That will give us a cross section that looks like this. Now we'll look at that straight on. So here's that cross section straight on. The important angles in this view are the side rake angle and the side relief angle. जैसा कि आपने क्लिप में देखा, इसको कट करने के बाद कुछ ऐसा दिखता है, ये कैसा रहेगा, परपेंडिकुलर टू बेस एंड पैरेलल टू विड्थ। ये वाला एंगल रहता है उसको बोलते हैं साइड रैक एंगल, ये वाला जो एंगल रहेगा इसको बोला जाता है साइड रैक एंगल, और ये वाला वो एंगल रहता है वो रहता है साइड रिलीफ एंगल। ठीक है, यदि हम इसकी डेफिनेशन की बात करें कि साइड रैक एंगल होता क्या है, इट इज द एंगल बिटवीन द फेस, क्योंकि ये फेस का प्रोजेक्शन है, इट इज द एंगल बिटवीन द फेस ऑफ द टूल एंड अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू सेंक और होल्डर, यानी कि ये सेंक है इसका, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, और टूल का जो फेस है उससे एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर दीजिए, तो आपको जो एंगल मिलेगा वो होता है साइड रैक एंगल। ठीक है, क्योंकि ये इसके पैरेलल हम इसलिए लेते हैं क्योंकि कभी भी हम टूल को इंसर्ट करते हैं, समझ लीजिए यदि हम टूल को हॉरिजॉन्टल एक्स इंसर्ट कर रहे हैं तो भी बेस और सेंक उसका पैरेलल रहेगा, यदि हम थोड़ा टिल्ट
ऐसे या फिर ऐसे उसमें फिट कर रहे हैं मशीन में, तो भी उसका रहेगा किसी भी एंगल पे आप फिट कर दीजिए, तो क्या ये होल्डर और सैंक होता है उसके पैरेलल रहेगा, इसलिए उसकी डेफिनेशन हो जाती है इट इज द एंगल बिटवीन द फेस ऑफ द टूल, क्योंकि ये फेस का प्रोजेक्शन है एंड द लाइन ड्रॉ पैरेलल टू सैंक। ठीक है, एक होता है साइड रिलीफ एंगल, इट इज द एंगल बिटवीन द साइड कटिंग एज एंड इमीडिएटली बिलो, इसको बोलेंगे साइड फ्लैंक, एंड अ लाइन ड्रॉ परपेंडिकुलर टू बेस और सैंक, ये बेस है टूल का, तो क्या करते हैं हम इसे इसमें, इट इज द एंगल बिटवीन द साइड फ्लैंक एंड अ लाइन ड्रॉ परपेंडिकुलर टू बेस, क्योंकि ये बेस है इसके परपेंडिकुलर यदि हम लाइन ड्रॉ कर देंगे तो ये जो एंगल बनेगा वो होता है साइड रिलीफ एंगल। साइड रिलीफ एंगल हम क्यों प्रोवाइड करते हैं, जब टूल कटिंग कर रहा होता है साइड से, समझ लीजिए एक सिलेंडर है इसकी कटिंग कर रहा होता है, तो टूल साइड कटिंग इससे कटिंग करता है, ठीक है, ताकि ये सरफेस उस सिलेंडर में रब ना हो, उसके लिए हम साइड रिलीफ एंगल प्रोवाइड करते हैं। इसके लिए भी मैं क्लिप लास्ट में एंड कर दूंगा, लास्ट में ऐड कर दूंगा, तो उसमें आप देख लीजिएगा कि कैसे ये कटिंग होती है सिलेंडर की। ठीक है, तो ये हो गया साइड रिलीफ एंगल, तो ये किस प्लेन में रहेगा, परपेंडिकुलर टू बेस एंड पैरेलल टू बिट। अब हम बात करते हैं दूसरे व्यू की, इस व्यू में क्या करते हैं हम, जो बेस रहता है उसके पैरेलल हम टूल को कट कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें हमको दो एंगल मिलते हैं, एक मिलता है साइड कटिंग एज एंगल, ये वाला जो एंगल रहेगा इस ये अभी नहीं दिख पा रहा, यदि हम इसको कट करने के बाद देखें तो ये दिख जाएगा साइड कटिंग एज एंगल, और ये वाला एंगल रहेगा यानी कि ये टूल की जो नोज है इसके साइड में यदि एंगल निकाला जाए तो वो होता है एंड कटिंग एज, और ये जो रहेगा कर्व टाइप का ये रहता है नोज रेडियस, इसकी आप क्लिप देख लीजिए, मैंने क्लिप भी ऐड की हुई है ताकि ये कटिंग आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो देखिए, Now we'll cut through the tool horizontally. We get a cross section that looks like this, and then we'll turn this and look at it straight on. When we look straight down on the tool like this, we can see the end cutting edge angle, the nose radius, and the side cutting edge angle. We can also see the nose angle. जैसा कि आपने उसमें देखा, क्या करते हैं इसको parallel to base कट करते हैं, या फिर उसको हम ये भी बोल सकते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन से हम इसको कट कर रहे हैं, तो इसमें हमको दो एंगल मिलते हैं, साइड कटिंग एज एंगल एंड एंड कटिंग एज एंगल। तो ये वाले एंगल होते हैं, इट इज द एंगल बिटवीन द साइड कटिंग एज एंड अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू सैंक, इट इज द एंगल बिटवीन द एंड कटिंग एज एंड अ लाइन ड्रॉ पैरेलल टू और फ्रॉम द नोज ऑफ द टूल। तो ये हो जाएगा एंड कटिंग एज, ये हो जाएगा साइड कटिंग एज एंगल। अब हम क्या करते हैं, इस टूल को हम परपेंडिकुलर टू बेस एंड पैरेलल टू लेंथ कट करेंगे, यानी कि ये तीसरी कटिंग होगी, तीसरे प्लेन से कट कर रहे हैं। इसको आप क्लिप में देख लीजिए, मैंने क्लिप भी ऐड की हुई है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। For the last cut, we'll cut vertically along the axis of the tool. The cross section is going to look like this. And we'll look at that cross section straight on. Here we see the back rake angle, the wedge angle, and the end relief angle. And that's pretty much the important geometry for a single point tool. जैसा कि आपने क्लिप में देखा, हम क्या करते हैं, एक प्लेन लेते हैं और टूल को, ये फ्रंट व्यू रहेगा टूल का, ये रहेगा साइड व्यू। अब हम क्या करते हैं, इसको एक प्लेन से कट किया, ठीक है, ये वाला प्लेन कौन सा प्लेन होगा, ये प्लेन होगा परपेंडिकुलर टू बेस, क्योंकि हम ऐसे कट कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर टू बेस हो जाएगा, और क्योंकि ये लेंथ है टूल की तो पैरेलल टू लेंथ रहेगा, तो मैंने वही लिखा होगा परपेंडिकुलर टू बेस एंड पैरेलल टू लेंथ। अब इसका व्यू लें हम, जैसा कि आपने क्लिप में देखा, तो ये वाला हो जाएगा वेक रेक एंगल और ये हो जाएगा एंड रिलीफ एंगल। वेक रेक एंगल होता है, इट इज द एंगल बिटवीन द फेस ऑफ द टूल एंड द लाइन ड्रॉ पैरेलल टू सैंक ऑफ द टूल,
एंड रिलीफ एंगल क्या होता है? इट इज द एंगल बिटवीन द एंड फ्लैंक एंड अ लाइन ड्रॉ परपेंडिकुलर टू द बेस ऑफ द टूल। तो ये सारे एंगल होते हैं इसमें, इसमें छह एंगल होते हैं और एक नोज रेडियस होती है। साइड रैक एंगल, साइड रिलीफ एंगल, एंड कटिंग एज एंगल, साइड कटिंग एज एंगल, एंड रिलीफ एंगल, बैक रैक एंगल और एक होता है नोज रेडियस। तो क्या करते हैं हम इनको एक सीरियल में ड्रॉ कर देते हैं, क्योंकि गेट में अक्सर वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कौन सा एंगल कौन सा होगा, या फिर वो आपको सेवन पॉइंट दे देंगे, नंबर्स दे देंगे, उसमें पूछ लेंगे आपको बैक रैक एंगल क्या होता है, साइड रैक एंगल क्या होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं इनको सीरियल में लिख लेते हैं। मैं रैक एंगल को दिखाऊंगा अल्फा से, ठीक है, साइड ये हो जाएगा साइड रैक एंगल और बैक रैक एंगल, एक होता है एंड रिलीफ एंगल और एक होता है साइड रिलीफ एंगल और एंड कटिंग एज एंगल और साइड कटिंग एज एंगल, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इनको सीरियल में जमा लेते हैं, ये हो जाएगा बैक रैक एंगल साइड रैक एंगल, ठीक है। अब क्या करते हैं रिलीफ एंगल को हम लिख देते हैं आर, ये कौन सा हो जाएगा साइड रिलीफ यानी कि एंड रिलीफ एंगल और साइड रिलीफ एंगल। अब एंड कटिंग एज एंगल और साइड कटिंग एज एंगल, तो हम क्या करते हैं सी से इस एंगल को दिखा लेते हैं, एंड कटिंग एज एंगल और साइड कटिंग एज एंगल, और नोज रेडियस को हम स्मॉल आर से शो कर देते हैं। तो आपको ये सीरियल याद रखना पड़ेगा, तो इसके सीरियल को आप ऐसे याद रख लीजिएगा कि जितने भी एंगल होते हैं वो साइड से एंड होते हैं, यानी कि बैक रैक एंगल साइड रैक एंगल, एंड रिलीफ एंगल साइड रिलीफ एंगल, साइड एंड कटिंग एज एंगल साइड कटिंग एज एंगल, और लास्ट में जो आती है वो नोज रेडियस आती है, ठीक है। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं रैक रिलीफ और साइड कटिंग और कटिंग एज एंगल और लास्ट में आता है रेडियस। अब आप रैक और रिलीफ में कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए स्टार्टिंग में ए आता है तो रैक पहले आ जाएगा, और साइड से एंड हो रहा है तो बैक रैक पहले आएगा, साइड दूसरे नंबर पे आएगा, और ई बाद में आता है इसलिए ई पीछे आएगा, यानी कि रैक पहले आएगा आर ई, ई बाद में आता है बाद में आएगा, और तीसरा होता है साइड कटिंग एज एंगल एंड कटिंग एज एंगल, ये तो आप याद रख लेंगे, और लास्ट में होता है रेडियस, यानी कि बैक रैक एंगल ए से साइड रैक एंगल सारे साइड से ही एंड होंगे, इसलिए आपको याद करने में आसानी होगी। और आपने क्लिप में भी देख लिया तो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को हम अलग अलग प्लेन में कट करते हैं तो अलग अलग एंगल हम कैलकुलेट कर सकते हैं बैक रैक एंगल। तो ये सारी डिटेल थी सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के बारे में। मैं एक काम करता हूँ, ये वाला जो वीडियो मैंने क्लिप बीच बीच में ऐड की थी उसको लास्ट में भी ऐड कर देता हूँ ताकि आप एक साथ उसको देख सकें। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही, ये था सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के बारे में। थैंक यू। Okay, we're going to look at some cutting tool geometry like you would find on a lathe. We're going to cut the tool with three different planes. The first plane will orient like this and we'll cut through the tool. That will give us a cross section that looks like this. Now we'll look at that straight on. So here's that cross section straight on. The important angles in this view are the side rake angle and the side relief angle. Now we'll cut through the tool horizontally. We get a cross section that looks like this. And then we'll turn this and look at it straight on. When we look straight down on the tool like this, we can see the end cutting edge angle, the nose radius, and the side cutting edge angle. We can also see the nose angle. For the last cut, we'll cut vertically along the axis of the tool. The cross section is going to look like this. And we'll look at that cross section straight on.
Here we see the back rake angle, the wedge angle, and the end relief angle. And that's pretty much the important geometry for a single point tool.